आज एक बेहद दुख और शर्म का दिन है जब देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी द्वारा ओआरओपी पर लगातार बोला गया झूठ जब बेनकाब हुआ और एक ऐसे सैनिक ने जिसकी छाती पर दो बार के राष्ट्रपति सम्मान है, दो बार के सेना अध्यक्ष सम्मान है, एक ऐसा जाबाज वीर जब इस जुमले के आगे, इस झूठे वादे के आगे अपनी लड़ाई हार गया और उसने एक विकट परिस्थिति में आत्महत्या की, तो उसके बाद उनके परिवार को जिस तरह से मारा पीटा गया, उनके बेटे को मारा गया, उनके दामाद को मारा गया, उनके पूज्य पिताजी जिन्होंने अपने रक्त को सीमा पर भेजा था इस देश की रक्षा करने के लिए और जिसने बहादुरी के साथ भारत के लिए युद्ध लड़े, उस बुजुर्ग को अपमानित किया गया। और अगर उस परिवार के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली की सरकार के निर्वाचित उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बाद में दोनों ने जाना चाहा, तो यह भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी पूरी सरकार गिरफ्तार कर ली गई। तो एक बार फिर केंद्र सरकार ने यह सिद्ध किया कि फर्जी राष्ट्रवाद की जो दुकान वो चला रहे थे, सेना के पराक्रम से हुए सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेने के लिए जिस तरह उत्तर प्रदेश में जगह जगह होर्डिंग लगाकर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे, श्री रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी उसे भुना रहे थे, पूरी सरकार पूरी भाजपा जिसे भुना रही थी, लेकिन आज ओआरओपी के मामले में उनका झूठ पकड़ा गया, बेनकाब हुआ। हम आशा करते हैं पूरे देश की ओर से, सैनिकों की ओर से, उनके स्वाभिमान और सम्मान की ओर से कि इसके लिए वो देश से क्षमा मांगे, सैनिकों से क्षमा मांगे। और सबसे बुरा लगा जब एक सैनिक की इतनी कारुणिक स्थिति में, जब उसका परिवार सबसे संकट की स्थिति में था, आप वो ऑडियो क्लिप सुनिए, उनके बेटे की भीगी हुई आवाज सुनिए, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति सुनेगा तो उसका कलेजा पड़ जाएगा, ऐसे परिवार को आपने मारा पीटा और अभी तक आपने उन्हें बंधक बना रखा है। और केंद्र के एक मंत्री जी, आप सब जानते हैं गाजियाबाद से जीते हुए श्री वीके सिंह जी जो केंद्र में मंत्री हैं, जिन्होंने ओआरओपी की मांग के आंदोलन का सौदा किया एक टिकट के बदले और बाद में भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से एक महीने पहले ज्वाइन करके चुनाव जीता और मंत्री पद पाया, वो कहते हैं कि उस सैनिक की मानसिक जांच होनी चाहिए कि उसकी मानसिकता कैसी थी, यानी कि उसके ठीक होने पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और आप उनका आखिरी ऑडियो सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि बेटा हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, हम सैनिकों के साथ अनर्थ कर दिया और मैं देशभक्त व्यक्ति हूं, मैं अपनी लड़ाई हारूंगा नहीं, मैं इसके लिए सर्वोच्च बलिदान दूंगा। इसे आत्महत्या ना कहा जाए, ये एक वीर का सर्वोच्च बलिदान है जिसने अपने हक के लिए इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र के तथाकथित मसीहाओं के सामने उसने पाया है। तो ऐसे में मैं और हमारी पार्टी, हमारा पूरा संगठन, देश का प्रत्येक नागरिक, बात यह नहीं है कि एक सैनिक ने आत्महत्या की और उसमें एक मुख्यमंत्री को आपने बंदी बना लिया, अभी तक बंदी है, आपने एक उप मुख्यमंत्री को बंदी बना लिया, बात सियाचिन में खड़े हुए, ग्लेशियर में खड़े हुए उस सैनिक के स्वाभिमान की है। आज की रात जब सेनाओं पर यह खबर पहुंची होगी तो उनके कलेजे पर क्या बीती होगी, बात उन माओं की है जिन्होंने अपने बेटे सजा कर भेज दिए हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, बात उन पत्नियों की है जिन्होंने अपना सौभाग्य सिंदूर हिंदुस्तान की सीमा रेखा पर कुर्बान होने के लिए हंसकर भेजा है, बात उन बेटियों की, उन बेटों की है जिनकी आंखों में आज पानी है। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जंतर मंतर पर सैनिकों की वर्दी पर हाथ डालते हैं दिल्ली पुलिस के लोग, और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी जो केंद्र की कठपुतली है, जिन्हें एसीबी के माध्यम से दुष्कर्म करने की, दुराग्रह करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने सौंपी है, वो श्री मीणा जी कहते हैं कि हम यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने देंगे, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उनसे निवेदन है कि वर्दी उतारे, चुनाव लड़े, कठपुतली ना बने, वो एक नवीन बस्ती संस्करण ना बने। तो एक छोटी पुलिस से लेकर और ऊपर तक ये जो दुरुपयोग किया जा रहा है तंत्र का, ये दिल्ली में, देश में एक अघोषित आपातकाल की आहट है। किसानों के बाद, छात्रों के बाद, दलितों के बाद, अल्पसंख्यकों के बाद, आज सैनिकों को, शहीदों को अपमानित किया है इस केंद्र की सरकार ने। और प्रधानमंत्री जी ने उस सर्वोच्च पद पर रहते हुए लगातार सेना से झूठ बोला है, ओआरओपी की कलई अब खुलकर सबके सामने आ गई है। हम आशा करते हैं कि कम से कम इस वक्त पर तो राजनीति ना करें। जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, एक शहीद के परिवार के साथ अगर वो मुख्यमंत्री जिसने भारत के इतिहास में पहला राज्य है जहां अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहली सरकार के वक्त से ये कहा कि वर्दी में शहीद होने वाले प्रत्येक नागरिक की वीरांगना विधवा के चरणों में 1 करोड़ का चेक सरकार रख के आती है, पैर छू के आती है, इतना दर्द महसूस करने वाला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर निकलकर अपने राज्य में हुई इस दुर्घटना में उनके परिजनों को गले लगाना चाहता है, सांत्वना बांधना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन, उनके मंत्री वही अहंकार की भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस के लोग आंदोलन के दिनों में बोला करते थे।
वही अहंकार, वही गुरूर, वही सत्ता का मद उनके सिर पर भी है, और जो परिणाम उनका हुआ था इसी परिणाम की गति इनके साथ भी होगी। चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत चलती रहेगी, लेकिन इस देश की सेना का मनोबल बहुत बड़ा है, विश्व की महानतम सेनाओं में है। सैनिक जब लड़ता है तो पूरे देश की दुआओं के साथ लड़ता है, वो माँ के विश्वास के साथ लड़ता है, भाई के भरोसे के साथ लड़ता है, पिता के आशीर्वाद के साथ लड़ता है, पूरे गांव की शुभकामनाओं के साथ लड़ता है। ऐसे में एक सैनिक को अपमानित न करे सरकार, सैनिकों की शहादत को अपमानित न करे। अगर अभी थोड़ी बहुत लाज शर्म शेष हो तो प्रधानमंत्री जी को, और वे मंत्री महोदय जिन्होंने ओआरओपी आंदोलन का सौदा किया टिकट के कारण, और चुनाव से एक महीने पहले वे कभी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, कभी सैनिक आंदोलन में खड़े होकर टोपी लगाकर खड़े होते थे, और आज कहते हैं कि ओआरओपी पर राजनीति न की जाए, उनको बाहर आ जाना चाहिए। थोड़ी बहुत शर्म उन्हें उस वर्दी की बची हो जो उन्होंने कभी अपने शरीर पर धारण की थी, तो ऐसी निर्लज्ज सरकार से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए, इस मंत्री पद को छोड़कर, इस बंगले को छोड़कर, इस लाल बत्ती को छोड़कर। ये एक बहुत ही कष्ट का, बहुत ही दुख का, देश के लिए बहुत शर्म का विषय है। उस दिवंगत सैनिक के परिवार से हम पूरे भारतवासी अपराधी हैं, ये केंद्र सरकार के इन करतूतों की वजह से, प्रधानमंत्री जी के झूठ की वजह से हम इसकी हार्दिक निंदा करते हैं, और एक लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार के दोनों सर्वोच्च प्रतिनिधियों को, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें घंटों बंधक रखा हुआ है, ये भी अपने आप में लोकतंत्र में एक आपातकाल का काला दिन है, और आपातकाल के परिणाम क्या होते हैं ये शायद मेरे ख्याल से केंद्र सरकार और मोदी जी जानते होंगे। दोस्तों, 1975 में मेरा जन्म नहीं हुआ था तो मैंने आपातकाल नहीं देखा, परंतु माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके शासन के चलते दिल्ली में जो आज आपातकाल लागू किया गया वो मैंने देख लिया। लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को किस अपराध तले, आईपीसी की कौन सी धारा में उनको गिरफ्तार करा गया, उनका क्या जुर्म है, क्योंकि वे एक शहीद, हमारे शहीद के परिवारों के साथ शोकग्रस्त परिवार से मिलने का उन्होंने कार्य करा, प्रयास करा, इसलिए उनको गिरफ्तार करा गया। मैं आज आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि रेवाड़ी में 2013 में माननीय मोदी जी ने वादा करा था कि ओआरओपी लागू करा जाएगा, वो ओआरओपी आज तक लागू नहीं करा गया। मोदी जी का झूठ सामने आ गया, उन्होंने सफेद झूठ देश की जनता से कहा कि हम ओआरओपी लागू कर चुके हैं, यानी कि अभी रविवार को भी, दिवाली वाले दिन भी उन्होंने ये वादा, ये कहा कि हमने ओआरओपी लागू कर दिया। हमारे सैनिकों को प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी नहीं चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए, उनके लेजिटिमेट ड्यूज चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी नहीं चाहिए, ड्यूज चाहिए, उनका हक है। और उनको ओआरओपी जो प्रधानमंत्री जी ने और उनकी तमाम कैबिनेट ने झूठ कहा, उसके लिए रक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को, दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये बात भी रखना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने सिस्टमैटिक तरीके से सेना का मोराल को तोड़ा है, उस पर प्रहार करा है। पहले आपने ओआरओपी लागू नहीं करा और झूठ कहा कि ओआरओपी लागू कर दिया। दूसरी चीज, आपने विकलांग पेंशन कम करी हमारे सैनिकों की, और तीसरी चीज, आपने उनकी रैंक्स की डिग्रेडेशन करी। एक योजनाबद्ध तरीके से मोदी सरकार हमारी सेना के मनोबल पे प्रहार करे जा रही है। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य इलाके जहां पे चुनाव होने वाले हैं वहां पे पोस्टर लगाकर कहते हैं कि सेना की बहादुरी की वजह से आप हमें वोट दीजिए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराई, हमें वोट दीजिए। जो सेना की बहादुरी पे राजनीति करते हैं, आज उन लोगों का झूठ सामने आ गया, पर्दाफाश हो गया, और मोदी जी को और उनकी तमाम कैबिनेट को देश से माफी मांगनी चाहिए ओआरओपी पे झूठ बोलने के लिए। और आखिरी चीज हम एक और जोड़ना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी, जैसा कि कुमार भाई ने बताया आपको, आम आदमी पार्टी पूरे देश में अब आंदोलन करेगी, ओआरओपी के मुद्दे पे आंदोलन होगा, और हमारे शहीद रामकिशन जी की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हम पूरे देश में एक एक जिले में, एक एक गांव में जाकर आंदोलन करेंगे, देश की जनता को भी बताएंगे, साथ में लोगों को भी जोड़ेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एंटी आर्म फोर्सेस सोच, हमारे सैनिकों के विरोध में काम करने की जो उनकी नियत है, उस पे पर्दा, उसका पर्दाफाश करेंगे और जनता के सामने ये तमाम चीजें रखेंगे। एक आखिरी चीज मैं ये जोड़ दूं, मैंने सुबह भी ये कहा था कि एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान,
नरेंद्र मोदी जी ने उस उनके स्लोगन को पूरे तरीके से बदलकर मर जवान मर किसान में तब्दील कर दिया है। एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे जवान आत्महत्या कर रहे हैं। जवान केवल एक्सटर्नल एनिमी से नहीं लड़ रहे हैं, इंटरनल एनिमी से भी लड़ रहे हैं। मोदी जी उनके सबसे बड़े एनिमी बनकर बैठे हुए हैं जो सेना को लगातार झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको भी डिटेन किया गया है तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर, तो उस पे क्या कहेंगे? किसी भी प्रकार का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वो किसी परिवार से मिलना चाहता है तो लोकतंत्र में उसे आजादी होनी चाहिए। चलिए वो नेता हो सकते हैं वो राजनीति के लिए जा रहे हो, लेकिन एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो वर्दी में शहीद हुए किसी भी दिल्ली के नागरिक को, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा किया कि 1 करोड़ रुपए के वो उसे प्रणाम राशि देकर आते हैं, ऐसा उस मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अगर संवेदना के साथ उनके परिवार के साथ मिलना चाह रहा है और उसे आप गिरफ्तार करके दिल्ली की सड़कों पर घुमा रहे हैं या कनॉट प्लेस थाने में बंद करके रखे हुए हैं, इससे पता चल रहा है कि ये गुजरात की आहट है। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि जो गुजरात में करके वो सफल हुए थे वो इस देश में सफल नहीं हो सकता। इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी हैं, यहां बड़े बड़े अहंकारियों के मर्दन किए गए हैं, दर्द चूर किए गए हैं, 424 से अधिक सीट लाने वालों को हराया गया है और लहर लाने वालों को हराया गया है। और मुझे लगता है कि उनकी इस सब के पीछे कि वो एक उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करें, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करें, लगता आज भी है कि 1.5 वर्ष होने को आया लेकिन 3 की टीस अभी गई नहीं है, वो अंदर कहीं गहरे गड़ी हुई है, शायद उसके कारण भी ऐसी हताशा की प्रतिक्रियाएं होंगी। कुमार, एक और सवाल है, आगे क्या प्लान रहेगा आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी ने आज अभी जैसा राघव ने बताया, हम पूरे देश में सैनिकों के सम्मान के लिए आंदोलन करेंगे, ओआरओपी लागू करने के लिए, जो विकलांग पेंशन है उसमें जो कमियां उन्होंने की है उनको समान स्तर पर लाने के लिए पूरे देश में आंदोलन करेंगे। कार्यकर्ता आज भी पूरे देश में उतरा हुआ है और मुझे लगता है कि अंततः वो दिन आएगा कि प्रधानमंत्री अपने झूठ के लिए क्षमा मांगेंगे और सैनिक के स्वाभिमान को वापस लौटाएंगे।